सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ रविवार को चंदौली के नक्सल प्रभावित नौगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। योगी यहां आरोग्य स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ करेंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चेक सौंपेंगे और आयुष्मान भारत लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड भी बांटेंगे। योगी नौनिहालों का अन्नप्रसन्न और महिलाओं की गोद भराई भी करेंगे। रविवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के ओखला और बदरपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा दिल्ली के तुगलकाबाद और कालकाजी में भी सीएम योगी जनसभाएं होंगी। शनिवार को योगी ने दिल्ली के करावन नगर में अपनी चुनावी रैली की शुरुआत की। करावन नगर में आयोजित रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के लोगों से रामराज्य लाने की बात कही। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया केस में फांसी के स्थगन को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर चारों दोषियों को नोटिस जारी किया है। इस याचिका पर रविवार को सुनवाई होगी। अयोध्या की काशीराम कॉलोनी में हुए धमाके के बाद पूरे नगर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रवेश मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अयोध्या पहले से ही संवेदनशील है। इस घटना के बाद चौकसी और बढ़ा दी गई है। दरअसल अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर बौखलाए पति ने प्रेमी के ऊपर बम से हमला कर दिया। बैंक हड़ताल का लखनऊ में बड़ा असर देखने को मिल रहा है। शनिवार को दूसरे दिन भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक कर्मियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी रही। इस हड़ताल के चलते सभी सरकारी बैंकों के शाखाओं एवं कार्यालयों में ताले लगे रहे। ऑनलाइन बैंकिंग भी नेटवर्क समस्या के कारण लोगों को दिन भर रुलाती रही। लखनऊ से नई दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट देश के बुनियादी ढांचागत विकास, युवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को जहां दिवालिया करने वाला बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो इस सदी के दिवालिया सरकार का पहला दिवालिया बजट है। वित्त मंत्री ने करीब 3.25 घंटा भाषण पढ़ा। बजट भाषण इतना लंबा इसलिए था क्योंकि उनके पास कुछ कहने के लिए ही नहीं था। बजट को कांग्रेस ने भी निराशाजनक और खोखले वादों का चिट्ठा करार दिया है। शनिवार शाम लखनऊ के हजरतगंज में जीपीओ पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बजट में सरकार ने ना तो किसानों के लिए कुछ किया है और ना ही युवाओं का ध्यान रखा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यह बजट नौजवान किसान विरोधी है। लखनऊ में 6000 करोड़ के आम्रपाली घोटाले में आम्रपाली ग्रुप के तीसरे डायरेक्टर अजय कुमार की पेशी हुई, जिसमें उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईडी कर रही है। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज हाईवे के किनारे युवती का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची और सबूतों को इकट्ठा किया। वहीं पुलिस का ये कहना है कि महिला की हत्या करके शव को यहां फेंक दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। नोएडा के सालरपुर गांव में रहने वाले 2 युवकों की बारात को हेलीकॉप्टर से ले जाया गया। लाखों रुपए खर्च कर किराए पर ली हेलीकॉप्टर में दोनों भाई अपनी दुल्हन को लेकर आए, जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में फार्मासिस्ट ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर रही है। फिलहाल सुसाइड के पीछे शादीशुदा फार्मासिस्ट के प्रेम प्रसंग और घरेलू कलह को बताया जा रहा है। मेरठ के सिविल लाइन इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने दवा व्यापारी और सपा नेता पर गोली चला दी। गोली व्यापारी के कंधे पर लगी, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में पुलिस जांच शुरू कर दी है। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में 2 लोगों की गोली मारने का मामला सामने आया है, जिसके बाद एसपी सहित पुलिस वाले पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने शाहीनबाग में चल रहा धरना प्रदर्शन को बर्बरता पूर्वक खत्म करने की बात कही। साथ ही प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर बोलते हुए कहा कि इन महिलाओं के संस्कार में राष्ट्रद्रोह है, इसलिए इनके पति हथकड़ी के डर से चूड़ी को शाहीनबाग भेज रहे हैं। कौशाम्बी के उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ी के चयन में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है।
जिसमें कौशाम्बी में तैनात एडीजे ने यूपीए अध्यक्ष समेत 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसकी जांच उन्होंने सीबीआई से करवाने की मांग की है। मामले की किसी ने जनयाचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 5 को होनी है। बदायूं के दातागंज कोतवाली इलाके में वाहन की टक्कर होने से कार सवार महिला सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल सभी लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। घटना के बाद परिवार वालों में शोक का माहौल बना हुआ है। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र में जेल से छूटे एक अधेड़ को कुछ लोगों ने देर रात गोली मार दी। गोली लगने से अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया है। अधेड़ कल ही जेल से रिहा हुआ था। छेड़छाड़ के आरोप में 11 दिसंबर को जेल गया था शख्स। जालौन में कोतवाली से महज 500 मीटर दूर दबंगों ने सरेआम लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने अवैध असलाहों के दम पर बाइक छीन ली। सरेआम हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में चाकू दिखाई दे रहा है। हरदोई में दिव्यांगों ने बस परिचालक का अभद्रता करने का आरोप लगाया। दिव्यांगों ने प्रबंधक को शिकायती पत्र देकर बताया कि रोडवेज बस परिचालक दिव्यांग जनों से अभद्र व्यवहार करते हैं और कभी कभी तो चलती गाड़ियों से उन्हें बीच रास्ते में ही उतार देते हैं। मामले में प्रबंधक ने वरिष्ठ केंद्र प्रभारी को जांच सौंपी है, साथ ही कहा है कि दोषी पाने पर परिचालक पर कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती के गिलौला इलाके में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चलने से कई लोग घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर एसपी एएसपी सहित कई थानों की पुलिस पहुंची, जिसके बाद घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में कल एक व्यक्ति के फायरिंग करने का मामला सामने आया। दिल्ली पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है, उसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के शाहीनबाग में पिछले करीब 1.5 महीने से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। फायरिंग करने वाले युवक का नाम कपिल है। जौनपुर के कोतवाली थाना इलाके में पुलिस प्रताड़ना में युवक की जान चली गई। युवक गुमती नदी के किनारे टिकटॉक वीडियो बना रहा था। इसी बीच 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की पिटाई कर दी और घर ले गई, जहां पैसे लेने और जेल भेजने के दबाव में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में परिवार के लोगों ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रेटर नोएडा में संसद में पेश हुए बजट को कॉलेज के छात्र छात्राओं ने लाइव देखा। बजट के बाद कॉलेज संचालकों ने कहा कि शिक्षा को लेकर पिछली बार के वादे को पूरा नहीं किया गया है। नई शिक्षा पद्धति अभी तक लागू नहीं की गई है। वहीं छात्रों ने शिक्षा के लिए बजट में अक्षीय रकम देने को सराहनीय कदम बताया। लखनऊ के यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले हड़ताल हुई, जिसमें हजरतगंज के इलाहाबाद बैंक के मुख्य ब्रांच में बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पूरे प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। हड़ताल को देखते हुए राजधानी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। चीन में कोरोना वायरस के चलते अलर्ट जारी होने के बाद राजधानी बीजिंग में MBBS की पढ़ाई कर रहा सहारनपुर के सरवाना थाना क्षेत्र का युवक घर वापस लौट आया है। चीन से वाया श्रीलंका होते हुए हिंदुस्तान आने पर उसकी 3 जगह मेडिकल जांच हुई। छात्र के यहां लौटने पर आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम छात्र के घर पहुंच गई। गाजीपुर में भट्टा मालिकों के खिलाफ प्रशासन ने कमर कस ली है। इन भट्टा मालिक लगातार NGT के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। NGT के मुताबिक भट्टा में आग लगाने का समय फरवरी के अंत में कहा गया है, लेकिन कई भट्टा संचालक समय से पहले ही भट्टा में आग लगा दिया है, जो NGT के नियम के विरुद्ध है। प्रतापगढ़ में ADG प्रेम प्रकाश ने नाबगंज थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें कई खामियां नजर आई, जिसके बाद उन्होंने ADG थाना अध्यक्ष उदय शंकर को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही कहा कि सारी कमियों को जल्द सुधार ले वरना कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में सर्विलांस सेल पुलिस टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। टीम ने 51 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मोबाइल की कीमत 9 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। मोबाइल मिलने के बाद स्वामियों को उनके मोबाइल वापस कर दिए गए हैं।
गोरखपुर के शास्त्री चौक गोलघर के सड़कों पर पुलिस ने ठेले वालों को नगर निगम द्वारा शहरी पथ विक्रेता परिचय पत्र उपलब्ध करवाया है, पर इसके बाद भी पुलिस वाले ठेले वालों को परेशान कर रहे हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं मामले में बीजेपी विधायक का कहना है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, जल्द ही समस्या का निवारण किया जाएगा। बलरामपुर के नवीन जिला न्यायालय का निरीक्षण करने न्यायमूर्ति डीके उपाध्यक्ष पहुंचे। नए भवन में अधिवक्ता चैंबर ना होने को लेकर बीते 10 दिनों से जिले के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। निरीक्षण के बाद न्यायमूर्ति ने अधिवक्ता पदाधिकारियों के साथ बात भी की। हमीरपुर के सदर कोतवाली इलाके में यमुना पुल पर तेज रफ्तार कार पुल से टकरा गई। कार में कुल 4 लोग बैठे थे, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कार चलाते वक्त ड्राइवर नशे में था, जिससे कार अनियंत्रित हो गई थी। कानपुर के शिव गोदावरी इलाके में 2 नाबालिग लड़कों का देसी तमंचे के साथ फोटो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक छबीले पुरनवा नई बस्ती में छोटे छोटे मासूम बच्चों को धकेला जा रहा है। बागपत जनपद के बलैनी स्थित ऐतिहासिक परशुरामेश्वर मंदिर में माघ मेले का 3 दिवसीय मेले को लेकर जिलाधिकारी और एसपी ने मंदिर व मेला स्थल का निरीक्षण किया, जिसमें पदाधिकारी, थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल परमाशुरेश्वर मंदिर में 19, 20 और 21 फरवरी को मेले का आयोजन होगा, जिसकी सुरक्षा के लिए प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली इलाके में मेरठ बदायूं स्टेट हाईवे पर कार की चपेट में आने पर 1 साल के मासूम सहित दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है। आजमगढ़ पुलिस और साइबर सेल ने साइबर क्राइम करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि इस गिरोह के सदस्यों ने अब तक करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। गिरोह ने अन्य सदस्यों की तलाश जारी है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुजफ्फरनगर के चरथावल इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग करने पर पुलिस ने कार सवार युवक को 75 लाख रुपए के साथ पकड़ा। पुलिस के पूछने पर युवक पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आगरा के छत्ता इलाके में महिला ने 10,000 रुपए के लिए 2.5 साल के मासूम की चोरी की। बच्चा चुराने के बाद मुंबई में रमेश नाम के व्यक्ति से बच्चा बेचने का सौदा हुआ था। मामले में पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर बच्चे को बरामद कर लिया है। बच्चा मिलने से परिवार में खुशी का माहौल है। मुरादाबाद में कटघर इलाके में चोरों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम का ताला तोड़कर लाखों की चोरी कर ली। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हल्द्वानी में जमीनों का बेसिक लैंड सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर लगातार विरोध चल रहा है, जिसका सीधा असर जमीन खरीदार को पड़ रहा है। हल्द्वानी समेत जिले के सभी इलाकों में सर्किल रेट बढ़ाने का विरोध जारी है। डीएम का कहना है कि सर्किल रेट की नियमावली प्रदेश सरकार की ओर से बनाई गई है। देहरादून के नए जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने चार्ज ले लिया है। चार्ज संभालने के बाद डीएम आशीष श्रीवास्तव ने अधिकारियों को समय से काम करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि हमारी टीम लोगों का काम समय से करके उन्हें लाभ पहुंचाएगी। हरिद्वार में नव नियुक्त डीएम सी रविशंकर पदभार संभाल लिया है। सी रविशंकर ने कलेक्ट्रेट रोशनाबाद के कार्यभार संभाला। कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन सकर्ल है। उत्तराखंड राज्य में नेपाल से लगी सीमा पर जहां पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से बॉर्डर पर नेपाल से आने जाने वाले हर व्यक्ति की स्कैनिंग की जा रही है। खटीमा में जिला अस्पतालों में कोरोना वायरस को लेकर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। मसूरी में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली। धनौल्ट में बारिश हुई। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं शीतलहर और ठंड से लोग ठिठुरे हुए नजर आ रहे हैं।
विकासनगर में शिक्षक के बंद क्वार्टर में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से घर में रखा लाखों का कीमती सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। उत्तराखंड में गुलदार के आतंक के चलते इलाके में लगातार दहशत बढ़ती जा रही है। मणिकानाथ रेंज में अब तक गुलदार दो लोगों को निवाला बना चुका है, जिस पर वन विभाग ने शूटरों की मदद से आदमखोर गुलदारों को मार गिराया था। लेकिन इस घटना के बाद भी इलाके में बड़ी गुलदारों की संख्या से लोग काफी सहमे हुए हैं। बजट का दिन शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं रहा। 1 फरवरी को सेंसेक्स ने जहां 1988 अंकों की गिरावट देखी गई, तो वहीं निफ्टी में 318 अंकों की गिरावट हुई है। बजट में किसी भी सेक्टर के लिए कोई खास ऐलान नहीं किए जाने को इसका असर माना जा रहा है। जैकी श्रॉफ ने कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। जैकी के बर्थडे के दिन डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने फैंस को एक सरप्राइज दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में जैकी श्रॉफ और रोहित शेट्टी नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ रोहित शेट्टी ने यह भी ऐलान किया कि उनके टॉप यूनिवर्स में एक और नया नाम जुड़ गया है। जैकी अपने बेटे टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 में भी नजर आने वाले हैं। अमेरिका की 21 साल की सोफिया कैनिन ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। शनिवार को कैनिन के ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में स्पेन की गार्बाई मुगुरुजा को मात दी। पहली बार ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रही वर्ल्ड नंबर 15 कैनिन ने 2 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता वर्ल्ड नंबर 32 मुगुरुजा को 4-6, 6-2, 6-2 से शिकस्त दी। पिछले 2 मैचों में हार की कगार पर पहुंचकर जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम 5वें और आखिरी T20 मैच में रविवार को उतरेगी, तो उसकी नजरें न्यूजीलैंड का 5-0 से सूपड़ा साफ करने पर लगी होंगी।